हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, गर्मी का दिन आ गया है। कई लोगों के यहाँ फ़ैन ख़राब होती है छोटी छोटी फॉल्ट में, और हम लोग जब मिस्त्री के पास ले जाते हैं या मार्केट में ले जाते हैं तो हमें वहाँ पे लंबा चौड़ा बिल देना पड़ता है। छोटा सा प्रॉब्लम भी होने पर वो लोग कॉइल बदल देते हैं। तो आइए देखते हैं, जानते हैं इस पंखे में क्या हुआ है। ये पंखा नहीं घूम रहा है करंट देने के बाद। और जिसका ये पंखा है उन्होंने बताया कि भाई मैंने इसका कंडेंसर भी चेंज किया है, बट कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है। ठीक है, सारे पंखे में चार तार ओपन होता है, चार तार बाहर की ओर होता है। इसमें देखिए पीला रंग का तार है और ब्लू रंग का तार है। ये देखिए पीला तार और ब्लू तार। सारे तार को खोल लेंगे और पीला तार और ब्लू तार को हम लोग चेक करेंगे। इसके पहले ये कंडेंसर स्टैंड खोल लेते हैं। ये कंडेंसर स्टैंड है जिसपे हम लोग कंडेंसर को फिट करते हैं और इससे वायर हटा देते हैं। इस पाइप को भी हटा देते हैं। अब मीटर से सबसे पहले चेक करते हैं कॉइल की पोजीशन। इसमें दो तार है, पीला और ब्लू। दोनों वायर को हम लोग बारी बारी टेस्ट करेंगे। पीला के दोनों वायर को जब चेक करेंगे, देखिए मीटर उठा, पीला वायर में मीटर नहीं उठा और ब्लू वायर में मीटर उठ रहा है। तो इसको सबसे पहले खोल लेते हैं। ये साबित हो गया है कि इसके कॉइल में ही कुछ फॉल्ट है। तीन नट से ये कसा हुआ रहता है, बाकी के छः नट इसके प्लेट के लिए होती है। ये नट ज़्यादा टाइट है, इसको प्लास से खोलना पड़ेगा। हो गया ढीला, अब इसको ओपन कर लेते हैं। उसके पहले ये सारे वायर को इस पाइप में सीधा मोड में रखेंगे और पेचकस के साथ साथ थोड़ा सा पुश करेंगे। बहुत ही आसानी से खुल गया। कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको खोलने के लिए। और ये देख पा रहे हैं, इसको रखेंगे अच्छे से। इसको एक कपड़े पर रखना चाहिए, कॉइल जब भी खोलेंगे तो उसको किसी कपड़े पे ही रखेंगे, नहीं तो उसके नीचे स्क्रैच आ जाएगा। ये देखिए आर्मेचर है कॉइल का, पंखा का आर्मेचर है। इस पर कॉइल लपेटा हुआ है। ये दो भाग में बटा होता है, 12 कॉइल है और 14 कॉइल। ये कॉइल नहीं घूमती है, इसके बाहर का जो बैरिंग बना हुआ रहता है वो ही घूमता है। कॉइल हमेशा स्थिर रहती है। कॉइल एक अनबैलेंस मैग्नेट बनाती है जिसके कारण ये घूमता है। ये देखिए पीला वायर का जो कॉइल है उसे हम एक जगह से छील लेंगे। ये देखिए यहाँ से 14 कॉइल है इसमें। इसमें से यदि दो कॉइल भी जल जाएगा तो भी पंखा आसानी से घूम सकता है। ब्लू वायर भीतर वाले कॉइल के साथ कनेक्टेड है तो उसे हमें नहीं छेड़ना है। अब हम देख लेंगे दोनों तार जो आउटपुट हो रहा है वो शुरू और अंत कहाँ हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग फिर एक बार ब्लेड की सहायता से कॉइल को छीलेंगे और देखेंगे कि हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। एक बार फिर हमें इसे छील के देखना पड़ेगा। ये दोनों वायर को हम बारी बारी टेस्ट करेंगे। कभी भी अगर आपके यहाँ पंखा ख़राब होता है तो आप कंडेंसर चेंज करो, कनेक्शन चेक करो, करंट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो चेक करो। और अगर फिर भी नहीं चलता है तो इसके तार खोल के ऐसे ही चेक करना है।
मैक्सिमम पंखे में चार तार ही रहते हैं, किसी किसी में तीन भी रहती है, बट मैक्सिमम में चार ही रहता है। इसमें साबित पहले ही हो चुका है कि पीला सेक्शन, पीला वायर सेक्शन का ही यानी बाहरी कॉइल का खराबी है। ये देखिए कॉइल देखने से नहीं लग रहा है कि जला है, बट कहीं पे भीतर से टूट गया है। कारण चाहे जो भी रहा हो, क्योंकि हमें सेकेंड कॉइल में ही कंटिन्यूटी मिल गया, यानी यहाँ पे कॉइल मूव कर रहा है, कनेक्शन मूव कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए इसका इंसुलेशन अच्छे से नहीं छिला है इसके लिए। अब हमें इसको अच्छे से छील लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है, कंटिन्यूटी मिल रहा है। बाहरी आर्मेचर में 14 कॉइल है, यदि दो कॉइल भी जल जाएगा तो हमें कुछ भी कटिंग वटिंग नहीं करना है। यदि कॉइल जला तो सीधे कॉइल के ऊपर में ही हम छीलेंगे, और जो जला हुआ सेक्शन है उसको छोड़ देंगे और ऊपर में ही कहीं पे भी घिस के सोल्डिंग कर देंगे। ये पीला वायर को निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, बट ये नहीं निकल रहा है, नहीं तो इसके जगह पे दूसरा तार दे देता, तो इसको नहीं निकालता हूँ मैं। यहाँ पे इसके कनेक्टिंग पॉइंट पे ही एक अलग से तार को मैं जोड़ दूँगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये दोस्तों यहाँ पे 14 कॉइल है। ये देखिए ये पहला सिरा है और इसके साइड वाला आखिरी सिरा है, ये आखिरी सिरा है, ठीक है। कोई भी कॉइल यदि टूटता है या आपको जला हुआ दिखता है तो आप उस कॉइल को छोड़ के उसके बाद वाले कॉइल में कनेक्शन कर दो, और अगर मीटर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस काम के लिए मीटर की थोड़ी आवश्यकता होती है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ही एक तार जोड़ देंगे। ये स्लीप के नीचे जो कॉइल है यहाँ पे हमें छिला हुआ दिख रहा है, यहाँ पे सोल्डिंग किया हुआ है। फर्स्ट कॉइल पे ही हमें कंटिन्यूटी मिल गया है, तो वहाँ पे ही फर्स्ट कॉइल कटा हुआ दिख रहा है, उसके सेकंड वाले पे हम सोल्डिंग कर देंगे। ये यहाँ पे हमें करंट मिलेगा, ये मिल रहा है, करंट नहीं कंटिन्यूटी मिल रहा है, यानी कॉइल यहाँ तक कहीं कटा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ तक हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है। इसको अच्छे से छील लेंगे। यहाँ पे अच्छे से छील लेंगे। ये देखिए यहाँ कंटिन्यूटी मिल रहा है, यानी 14 कॉइल में से एक कॉइल में सिर्फ हमें कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो उस कॉइल को छोड़ के उसके पहले वाले में हम जब एक जगह कॉइल को छील के देख रहे हैं तो वहाँ पे हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है। दोस्तों अगर कभी भी कॉइल जलता है तो सारा कॉइल एक साथ नहीं जलता है, बहुत ही रेयर होता है कि सारे कॉइल एक साथ जले, क्योंकि उसके पहले ही फ्यूज कट जाती है या वायर शॉर्ट हो जाता है, और वैसी कंडीशन में हमारा कॉइल बच जाता है। ये आप अच्छे से समझ लो कि यहाँ पे करना क्या है। अगर आपके पास मीटर है तो आप मीटर से आसानी से इसको ट्रैक कर सकते हो। हम यहाँ पे एक कॉइल को छोड़ के दूसरे कॉइल का एक पतला वायर को छील रहे हैं और वहाँ पे ही हम तार जोड़ देंगे। ये देखो कॉइल देखने से कहीं भी खराबी नहीं लग रहा है, बट मे बी किसी कारणवश लगता है भीतर से टूटा है, यहाँ पर चोट का निशान कुछ जैसा दिख रहा है, तो इस कॉइल को ही हमने छोड़ा है। हमें करना क्या है, ये कॉइल को अच्छे से छील लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें सोल्डिंग करना है, और अगर अच्छे से नहीं छीलेंगे तो ये पंखा चलेगा तो गर्म होने के बाद ये सोल्डिंग छोड़ देगा, तो बेटर रहेगा कि इसको हम अच्छे से छील लें।
और एक वायर लेंगे। फिर यहाँ पे हम सोल्डिंग कर लेते हैं इसको पहले, और एक बार फिर से चेक करते हैं। ये मीटर शो कर रहा है कंटिन्यूटी मीटर को, हमने 10 के रेंज में रखा है, ओम और 10 के में। मल्टीमीटर टेस्टिंग के लिए मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, आप अगर मल्टीमीटर टेस्ट करने नहीं जानते हो तो हमारा मल्टीमीटर टेस्ट का वीडियो देखो, आपको मल्टीमीटर के बारे में सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। और इसके लिए हम एक छोटा सा वायर ले रहे हैं, कोई पंखा मेरी 2-3 कॉइल शॉर्ट कर जाता है फिर भी पंखा आराम से घूमेगा, पंखा को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है 14 के जगह पे यदि वो 13 कॉइल पे भी चले तो। ये छोटा सा तार ले रहा हूँ, ये इसको छील लेते हैं और पेस्ट की सहायता से इसमें सोल्डिंग कर देंगे। यहाँ पे ये आउटपुट वायर के ऊपर ही सोल्डिंग कर देंगे। देखो यहाँ पे इस तार को थोड़ा सा मोड़ देता हूँ ताकि सोल्डिंग ना खुले, अच्छे से रंगा की सहायता से इसको सोल्डिंग कर देता हूँ। ये हो गया, और अब इस वायर को जहाँ पे हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है उस वायर के पास सोल्डिंग कर देंगे। मैंने एक कॉइल जो छील के रखा है उसी पे सोल्डिंग कर देंगे, कॉइल बहुत महीन है, अच्छे से शायद दिख नहीं पा रहा हो को, बट इस कॉइल में कहीं पर भी यदि हम छील के लगा दें तो काम करेगा, ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रॉपर वायर पे, कहीं पर भी सोल्डिंग कर देना है हमें। तो इसको भी थोड़ा सा मोड़ के सोल्डिंग कर रहे हैं। इसको दो बार हमने मूव कर दिया ताकि ये बाद में सोल्डिंग ना छोड़े। इसमें थोड़ा पेस्ट लगा देंगे पहले ताकि सोल्डिंग अच्छे से हो, और वैसे भी मैं 65 वाट का सोल्डर यूज करता हूँ तो इसका सोल्डिंग बहुत आसानी से नहीं छूटता है गर्म होने के बावजूद, क्योंकि ये सोल्डर ज़्यादा हीट होती है। ये हो गया, हमने एक जंपरिंग कर दिया सिर्फ, यानी आउटपुट वायर के साथ एक कॉइल छोड़ के दूसरे कॉइल पे जंप कर दिया बस। अब देख रहे हो कंटिन्यूटी आ रही है, कंटिन्यूटी आ गया यानी ये निश्चित है कि अब ये घूमेगा, क्योंकि कॉइल नहीं जला है, ये हमें देख के ही पता चल रहा है। अब एक बार इसको फिट कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से ये पंखा खुल गया कि ये एल्युमिनियम कैबिनेट पे है, अगर लोहे कैबिनेट पे रहता तो शायद थोड़ा मुश्किल होती। अब देख लो कैसे फिट करना है, कनेक्शन के लिए नहीं सोचना, चार वायर बहुत लोग होते हैं जिनको चार वायर देख के लगता है कि अरे भाई अगर मैं इसे खोल दिया तो फिर फिट कैसे करूँगा। आपको कनेक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिसे अपना के आप कोई भी पंखा आराम से खोल सकते हो सारे वायर में, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस एक ट्रिक आपको यूज करना है। ये सिंपल सा ट्रिक है, इसमें दो वायर पीला है दो वायर ब्लू है, तो आपको एक जोड़ी ब्लू यानी और एक जोड़ी पीला है, तो हमें करना क्या है, एक पीला और एक ब्लू लेना है। आपको मैं कनेक्शन का ट्रिक बता रहा हूँ, एक पीला और एक ब्लू लेना है, उसमें एक फेज करंट देना है, और जो दो तार बच रहा है उसमें कंडेंसर को जोड़ देना है, दोनों तार को, कंडेंसर के दोनों तार को पीला और ब्लू पे जोड़ देना है। और जो हम डबल वायर लिया उस वायर में एक करंट देना है और एक कंडेंसर के पॉइंट पे देना है, आप याद रखेंगे। अब देख लो कैसे कर रहा हूँ, कोई भी पीला पीला और ब्लू ब्लू, ये करना क्या है, आपको पीला और ब्लू को साथ में मिला देना है
पीला और ब्लू को साथ में, यानी दो अलग अलग कलर को एक साथ मिला देना है, और बाकी जो दो तार बच रहे हैं उसमें कंडेंसर को जोड़ देना है। एकदम सिंपल, दो अलग अलग कलर को एक साथ जोड़ देना है, और जो दो अलग अलग वायर यानी पीला और ब्लू जो बचा उसमें कंडेंसर जोड़ना है। अब जो एक साथ जुड़े हुए कॉइल हैं, एक साथ जुड़े हुए वायर हैं पीला और ब्लू, उसमें एक फेज करंट देना है। देख लो मैं कैसे दे रहा हूँ, ये बिल्कुल दिख जाएगा। ये जो एक जोड़ी तार है, दोनों अलग अलग वायर, दोनों अलग अलग कलर के वायर, उसमें एक इनपुट करंट दे देना है और एक कंडेंसर के पॉइंट पे इनपुट करंट दे देना है। अगर पंखा उल्टा घूमता है तो हमें कंडेंसर वाला वायर को चेंज करना है, यानी जिस पे हमने कंडेंसर वायर पे जो कनेक्शन दिया है उसको दूसरे पॉइंट पे यानी दूसरे तार पे दे देना है, बस पंखा उल्टा घूमने लगेगा अगर उल्टा घूमता है तो। बट मैंने जैसे जोड़ा है उसमें उल्टा नहीं घूमेगा ये पंखा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ये देखो पंखा घूमने लगा, किसी प्रकार का वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के धन्यवाद।